हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अश्वगंधा के पौधे के कितने फ़ायदे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए अश्वगंधा का ये पेड़ लगा हुआ है और ये देखिए इसमें देखिए बीज भी इसमें होते हैं, जिसमें लाल लाल बीज होते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसमें लाल बीज होते हैं। ये देखिए इसमें लाल बीज पाए जाते हैं। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें लाल बीज लगे हुए हैं। ये मुकैया के जैसे इसमें बीज दिखाई देते हैं और ये अश्वगंधा के बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदे होते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए इसका बीज है और ये लाल बीज होता है, जैसे कि मुकैया होती है, बहुत ही आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा, और मिर्ची के जैसे इसमें बीज निकलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए अश्वगंधा का लगा हुआ है और इसकी पहचान आप लोग कैसे करना है आप लोगों को ये देख लीजिए। इसके जैसे ये धतूरे का पत्ता होता है, उसी तरीके का इसमें भी पत्ता होता है, लेकिन ये छोटा पत्ता होता है और पेड़ भी 3 से 4 फुट का पेड़ होता है और 2 फुट का 3 फुट का पेड़ भी होता है। ज़्यादा अधिक इसको पानी मिलने पर ये 3 से 4 फुट का तक का भी हो जाता है। वैसे तो नॉर्मल ये 2 से 3 फुट का ही होता है पेड़। और आप देख रहे हैं यहाँ पर और भी पेड़ थे, यहाँ पर ये सफाई की गई है, तो यहाँ पर से पेड़ आधे उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। ये मुझे एक ही पेड़ मिला है, तो आप लोग ये देख लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग पहचान लीजिए कि आप लोगों को अगर ये कहीं पर भी मिल जाए तो आप लोग ये तुरंत आप लोग इसके पेड़ के पत्ते तोड़ लें, तो आप लोगों को इससे बहुत ही आसानदार और घरेलू इलाज आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अश्वगंधा के फ़ायदे के बारे में। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें बीज लगे हुए हैं। ये देखिए पूरी यहाँ पर जितने ये सब ये देख रहे हैं आप लोगों को, ये बीज से पूरा भरा हुआ है। ये देख लीजिए, एक मैं आप लोगों को इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए सूख गए हैं, पहले तो ये लाल होते हैं, फिर ये मिट्टी कलर के हो जाते हैं। देख लीजिए, ये देखिए आप लोगों को मैं लाल बीज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए लाल लाल बीज लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने अगर इस पेड़ को पहचान लिया हो तो मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अश्वगंधा का प्रयोग कैंसर को सही करने में भी किया जाता है। जो आप लोगों का अगर कैंसर हो गया हो तो अश्वगंधे की जो ये जड़ें होते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसकी जो जड़ें होती हैं वो आप लोगों को अश्वगंधा की जो जड़ें होती हैं उसको आप लोगों को तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद आप लोगों को इसको मिक्सी से या किसी भी तरीके से आप लोगों को इनको पीस लेना है। और ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा और घरेलू आसान तरीका है, जिससे आप लोगों के जोड़ों का दर्द भी सही हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका पाउडर आप लोगों को कैसे बनाना है और यह कैंसर जैसी बीमारी को कैसे आप लोग दूर कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये शरीर की भी बहुत ही प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत ही आसानी से सही करता है, इसकी सभी समस्याओं को सही कर देता है। अश्वगंधा जोड़ों की दर्द खत्म कर देता है बहुत ही आसानी से, और इसका तेल भी बना सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि इसका जो कैंसर में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस कैंसर में इसका प्रयोग कैसे करना है। तो आप लोगों को कैंसर को सही करने के लिए इसकी जो जड़ें आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर नीचे इसकी जड़ें लगी हुई हैं, इसकी जड़ों का जो पाउडर निकलेगा, और इसकी पहचान आप लोगों को कैसे करना है। जड़ों की अच्छी जो जड़ें होती हैं वो लंबी और चमकीली अच्छी जड़ें होती हैं, चमकदार, उसको जब धो देंगे आप लोग तो वाइट वाइट सी हल्की निकल आती हैं, हल्की सी वाइट निकल आएंगी। वैसे तो मिट्टी कलर की होती हैं, हल्की सी वाइट हो जाती हैं धोने पर। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसकी जड़ों को लेना है, 100 ग्राम जड़ लेना है, 100 ग्राम लें या 150 ग्राम आप लोग जड़ ले लें, और इसको सुखाने के बाद जब 2 से 3 दिन आप लोग सुखा लें इसकी जड़ को, तो आप लोगों को क्या करना है कि इसका पाउडर बना लेना है,
और पाउडर बनाने के बाद आप लोगों को बिल्कुल महीन से पाउडर बनाने के बाद आप लोगों को किसी भी शीशी में या फिर किसी भी डब्बे में आप लोग को ले लेना है। और जब ये पाउडर आप लोगों का तैयार हो जाए तो आप लोगों को सुबह शाम एक एक चम्मच आप लोगों को लेना है पानी के साथ। तो आप लोग ताज़ा पानी भी ले सकते हैं, ज़्यादा ठंडा पानी ना हो तो आप लोगों को ये इस्तेमाल करना है। और मैं तो आप लोगों को इससे आप लोगों कैंसर की जो समस्या है वो बहुत ही आसानी से सही हो जाएगी, बहुत ही जल्द भी हो जाएगी सही। तो और मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इससे दूसरा ये नियम है मेरा कि आप लोगों को जोड़ों का दर्द कैसे सही करें। तो आप लोग ये देख रहे हैं जो इनकी जोड़ों के दर्द के लिए इनके पत्तों का ज़्यादा सेवन ज़्यादा सही रहता है और वो कैंसर के लिए इसकी जड़ों का ज़्यादा सही रहता है। तो आप लोग ये पत्ते इसकी देख रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, 10 पत्ती लेना है। 10 पत्ती की लेने के बाद 50 से 100 ग्राम सरसों के तेल में इसको पका लेना है। जब आप लोग ये 10 पत्ती तोड़ लेंगे फिर आप लोगों को क्या करना है कि 100 ग्राम पत्ती ले लेना है, 100 ग्राम पत्ती ले लेना, आप लोगों को 100 ग्राम तेल ले लेना है। और तेल लेने के बाद आप लोगों को उसमें तेल में इतना पकाना है कि उसमें बिल्कुल पत्ती का बिल्कुल उसमें पूरा पूरा पत्ती उसमें भस्म हो जाए। और फिर आप लोगों को जब उसमें पूरा तेल आप लोगों को पक जाए फिर आप लोगों को उसको छन्नी से या मैंने कपड़े से छान लेना है। इसको छानने के बाद जब आप लोग इसको छान लेते हैं तब इसको छानने के बाद आप लोग इस तेल को आप लोग के ये तेल तैयार हो जाता है। और जब आप लोग इसको शीशी में डाल लेंगे तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग 3 से 4 बार आप लोगों को पैरों में मालिश करना है, जहाँ पर आप लोगों के घुटनों पर दर्द होता है यहाँ पर या फिर आप लोगों के हाथ की कोहनी पर दर्द होता है, आप लोग ये लगातार आप लोग ये करें तो आप लोगों की ये जो आप लोगों के जोड़ों में दर्द होता है उससे आप लोगों को बहुत ही छुटकारा मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा और घरेलू आसान तरीका है। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों को आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियो आप तक रोजाना लाता रहूँ। थैंक यू।